हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। और मेरा नाम है जगदीश भावेश। आज हम जो गाना रिएक्ट करेंगे, कौन सा गाना? ये मोला, बंगिस्तान कोई मूवी है। मोला कोई मूवी है? मूवी है बंगिस्तान, उसका गाना है मोला। अच्छा, वो गाना है। तो चलो फ्रेंड्स, पहले गाना देख लेते हैं, फिर मिलके बताते हैं कैसा लगा। कम्युनिटी हारमोनी सॉन्ग्स था थोड़ा। शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि लोग एक दूसरे को मारेंगे, लास्ट में आपस में सब होली खेल रहे हैं। तो ऐसा ही है इंडिया में। ये तो अपने इंडियन मूवी का एक सॉन्ग है ना, बंगिस्तान है ना। तो गाना अच्छा था, एक मैसेज था उसमें कि सब आपस में मिल के रहो और अपने एक दूसरे रिलीजन की रेस्पेक्ट करो, कदर करो। यही है ना मैसेज तो। ताकि मंदिर की भी उतनी इज्जत जितनी मस्जिद की, और मस्जिद की भी उतनी इज्जत जितनी मंदिर की। ये एक सेंटिमेंटल पॉइंट होता है हर जगह, कि आप ने अगर मस्जिद के बारे में कुछ बोल दिया तो आप ख़राब हो, और आपने मंदिर के लिए कुछ बोल दिया तो आप ख़राब हो। तो
बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी चीज़ बोलने से हम बुरे हैं, तो बोलना भी नहीं चाहिए और रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो मंदिर भी आते हैं। और मेरा एक, मैं पहले ऑफिस में काम करता था, तो वो मेरे ऑफिस में कलीग थे, वो हमको मंदिर लेके जाते थे, हम नहीं जाते थे क्योंकि वो माता जी का मंदिर नीमच माता काफ़ी ऊपर है ना, तो उनकी तरफ से फोर्स किया जाता था कि मंदिर चलो। तो यही है, यही हमारा कल्चर है, यहाँ पे सबको मानते हैं हम, हमारे लिए पर्टिकुलर कोई एक नहीं है, जो कोई भी है जिसका लिंग हम ऊपर वाले से मानते हैं, क्योंकि वो एक है, सब जगह है कि भगवान एक है, उसके रूप अलग अलग हैं, अलग अलग रूपों में उनसे पूजा जाता है। जैसे कि हम कभी जल देवता बोलते हैं, पानी को बोलते हैं, तो वो एक थैंक्स करते हैं अपन, क्योंकि पानी पीने से हमको जीवन मिल रहा है, तो उसको थैंक्स बोलते हैं, तो हम उसको एक वो फेद देते हैं, पूजा करते हैं, तो उसको हम भगवान मानते हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। हवा है, सूरज है, तो ये एक हिंदू धर्म में होती है, कंसेप्ट है, तो ऐसे हर जगह ऐसा कंसेप्ट होता है। तो काफ़ी लोग होते हैं ना जो नहीं, चिढ़ाने के लिए नहीं, ये इतनी चीज़ नहीं होती, एक साइंटिफिक थ्योरी डालते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो साइंटिफिक थ्योरी की डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई किसी के रूप में किसी को भी पूज रहा है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, काफ़ी लोगों की एक सेंटिमेंट होता है, हमारे अंदर भी होता है, लोग जो एथियस्ट होते हैं ना, जो किसी को नहीं मानते, तो मुस्लिम में मज़ार होती है, काफ़ी लोग तस्वीर लगाते हैं, मक्का मदीना की एक पोर्ट्रेट लगाते हैं ना अपने घरों में, और जो अपन लोग होते हैं वो मूर्तियों को, मूर्ति पे पूजा करते हैं, तो एक्चुअली वो एक सिंबल होता है। सिंबल यूँ होता है कि हम अपनी तस्वीर भी घर में लगाते हैं, है ना, तो है क्या, कागज़ है वो, हम तो नहीं है ना, कागज़ है, पर मान लीजिए आपके पिताजी की तस्वीर है और कोई बोले उस पर आप थूकिए, आप थूकेंगे क्या? मैं बोलूँगा क्या है वो तो कागज़ है, वो तो यही बोलूँगा, क्या है, कागज़ है वो, हकीकत में थोड़ी है क्या, थूक दीजिए। वैसा का वैसा इन सारी जो अप्लाई होता है मंदिरों में, जो मूर्ति होती है ना, तो वो एक सिंबल होता है कि हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं उस ऊपर वाले की, उसका एक स्थान बना के उसकी पूजा कर रहे हैं, और वैसे ही मज़ारों में और ऐसा होता है, तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी काफ़ी लोग होते हैं जो किसी के बारे में यूँ बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उनके पर्सनल चॉइस होती है, पर वो पर्सनल चॉइस वहाँ तक होनी चाहिए, एक दूसरे की पूजा स्थलों, धर्म स्थलों के ऊपर कभी गाली नहीं देनी चाहिए, वो दोनों तरफ की कम्युनिटी करती है ये हमें पता है, तो वो लोग कौन है, तो उन लोगों को रोकना है हमें, उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना है, ये मेरा मैसेज है। काफ़ी कमेंट्स आते हैं हमारे, तो उनको बोला जाता है कि, ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिया में मुसलमान खतरे में है, तो एक भाई ने 2-3 वीडियो भी डाले थे, 130 करोड़ है आबादी, वीडियो में कितने लोग होंगे, तो अगर इतने ही दंगे हो रहे हैं तो इंडिया तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो वो तो क्या है कि बुराई बढ़ाओ तो बुराई बढ़ती है, ऐसे वीडियो डालने से जिन लोगों से कोई मतलब नहीं है ना, लोग बैठे बैठे गर्म हो जाते हैं ऐसे वीडियोस देख के, और ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा है, उन जो झगड़ा कर रहे हैं ना उनको भी बैठा क्या प्रॉब्लम क्या है, उनको बैठ के बात करो, हकीकत में प्रॉब्लम कोई निकलेगी, आपस की लड़ाई निकलेगी, ये निकलेगी, और वो फिर एक एंगल दिया जाता है, फिर पार्टियाँ आ जाती हैं, ये एंड वो, ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरा फ्रेंड्स आपसे यही बोल रही है, यही मेरा मैसेज है कि आप अच्छाई देखिए, कहीं भी हो अच्छाई देखिए, उसको आगे बढ़ाइए, बाकी अगर आपको बुराई पॉइंट आउट करनी है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखिए, क्योंकि उसके लिए मैं शायद कुछ बात भी नहीं कर पाऊँ, और बच्चों को ऐसे चीज़ें सिखा भी नहीं सकते अपन, यही मैसेज है मेरा, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, रीज़न सही है गलत उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये वीडियो अच्छा था, आपको अगर अच्छा लगे, और टी सीरीज़ है तो टी सीरीज़ का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुनिया का सबसे नंबर वन है चैनल है टी सीरीज़, म्यूज़िक कंपनी है, कॉपीराइट तो है ही है कॉपीराइट इशू तो हमेशा रहता है, काफ़ी फ्रेंड्स कमेंट्स करते हैं कि आप वीडियोज़ बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, कुछ नहीं है, काफ़ी सारे कॉपीराइट क्लेम आते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता उनको, हमारा तो मकसद यही है कि जो लोगों के बीच में जो दरार है, जो लाइन है, वो ख़त्म करनी। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारा, और हमारी किसी बात को बुरी लगे तो विथ रीज़न आप लिखिए, विथ रीज़न, सेटिस्फाइड रीज़न, नॉट पॉइंट ऑफ कि
कि ये गलत है वो गलत है, दो उंगली आप बताएंगे, दो उंगली काफ़ी हमारे इंडियन फ्रेंड्स भी आपस में कमेंट बॉक्स में झगड़ा करते हैं। तो देखिए वही है, फिर एक इशू बन जाता है, फिर ऐसा कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि वहाँ सब सही है और यहाँ सब कुछ गलत और यहाँ सब सही है वहाँ कुछ गलत, हर जगह अच्छाई होती बुराई होती है, हमें अच्छाई को आगे बढ़ाना है। तो भाऊ का ज़्यादा टाइम नहीं बगाड़ूँ मैं, पढ़ाई करनी है उसके हिसाब से, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। And hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption.